शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन बख्श दिया है कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं। पैदाइश की किताब का मुताला करने का हमने ठाना था और आई एम वेरी 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 हैप्पी टू नो कि हम टू टेल दैट कि हम पैदाइश के आज आखिरी बाब को का मुताला करने को है। मेरे साथ एक भाई इमरान भी सियालकोट से जुड़े हैं, वो मेरे साथ जूम पे हैं, वो आज हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। बड़े प्यारे भाई हैं एंड आई थैंक यू इमरान भाई फॉर कमिंग टू प्रे विद अस कंसिडरिंग के पाकिस्तान में भी 12:15 रात के हो रहे हैं। पैदाइश की किताब का ये मुताला का सफर जो है ये मेरे जाती उसमें भी बहुत ही बाबरकत रहा है, बहुत ज्यादा सीखने को मिला और द जर्नी हैज बीन अमेजिंग, द जर्नी सिंपली हैज बीन अमेजिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये एक अच्छा मजेदार सफर रहा होगा, सीखने को काफी मिला होगा। सो इसके लिए सारी इज्जत और सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा के नाम को हो। मैं एक दफा फिर से एक चीज जरा चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पिछली दफा की तरह फिर जो मेरी पोस्ट है उसमें स्पेसिफिक फ्रेंड्स हो गए हैं जिसकी वजह से ये पोस्ट सब दोस्तों तक नहीं पहुंच पाती। सो उसके लिए भी मैं माजर चाहता हूँ। एंड नाउ द पोस्ट इज बीइंग शेयर्ड विद एवरीबॉडी फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस। हमें पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो वो फिर इस तरह करते हैं कि जैसे खुदा के काम को हर्ट किया जाए, उसको रोका जाए। एंड लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा का काम नहीं नहीं रुकता और वो चलता रहता है। सो प्रेज गॉड फॉर दैट। यस भाई सैमसन रत्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी वीडियो पहुंच रही है और भी जितने दोस्तों की वीडियो पहुंच रही है प्लीज जरूर कमेंट या कुछ वेव करके जरूर बताइएगा ताकि नाउ आई थिंक इट सीम्स ऑल गुड। हमने पैदाइश की किताब का मुताला का इट्स रीचिंग एन एंड नाउ। अब हम खुदा की फजल से अपनी किताब के मुताला के इस दौर में हम बिल्कुल आखिर पर आ चुके हैं। सो चैप्टर 48 तक हमने किया था, चैप्टर 49 जो है उसमें हम देखते हैं कि जनाबे याकूब जो हैं वो अपने बेटों को बुलाते हैं और उनको बरकत देते हैं। इसके बीच में जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर फाइव जब देखा था जिसमें जीनियोलॉजी है पैदाइश की, जिसमें नसबनामा लिखा है, मैंने आपको बताया था कि इस नसबनामे में भी खुदा ने एक बड़ा खुफिया सा पैगाम छुपा रखा है जो कि हमें खास तौर पे जो कलाम से बड़े ध्यान से उसका मुताला करना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट हो सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी नाम हैं जनाबे आदम से लेके आदम सेत अनूस कीप दैट राइट ऑन प्लीज आदम सेत अनूस फिर उनके बेटा उनसे आगे किनान से महललल पैदा हुआ, महललल से यारद, हनूक, हनूक से मतुसला, मतुसला से लमक और लमक से नू। ये 10 जो नाम थे इनके बीच में एक पैगाम छुपा था। हमने ये जब वाला पैसेज किया था तो हमने बकायदा नसब नामों का वो भी देखा था कि उनके नाम किस तरह चूज किए जाते हैं हिब्रू जुबान में। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं हिब्रू जुबान बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैंने इसमें जो जो सीखा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये बड़ी जबरदस्त जुबान है विच इज नॉट फोनेटिक ओनली, सिर्फ बोलने से ताल्लुक नहीं रखती इस जुबान में, पिक्टोग्राम भी नहीं, सिर्फ पिक्टोग्राफिक भी नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ड्रिवन लैंग्वेज। उसमें जुबान का एक मतलब है, उससे नामों के मतलब हमने निकाले थे। हालांकि ज्यादातर डिक्शनरीज इवन के स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जो है वो भी उन नामों की ट्रांसलेशन उस तरह नहीं करती, लेकिन वी थैंक द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, उन्होंने इस पे काफी काम, क्योंकि हिब्रू डिपार्टमेंट ने काम किया और बहुत से ऐसे लफ्जों के माने आगे दुनिया तक पहुंचाए हैं जिनको देखने से बड़ा जबरदस्त पैगाम मिलता है। और उसका मतलब था, आदम का मतलब है इंसान,
सैयद का मतलब है अपॉइंटेड या अपने लिए चुन लेना। फिर उसके बाद अनूस उनका बेटा था जिसका मतलब है दुख, और किनान का मतलब है तकलीफ परेशानी और मौत। और फिर उसके बाद है महललेल जिसका मतलब था मुबारक खुदा, यारद का मतलब था नीचे आ जाना या नीचे केम डाउन। और फिर हमने देखा कि उसके बाद उनका बेटा हनूक पैदा हुआ जिसका मतलब है सिखाना। उसके बाद मतूसला, मतूसला का मतलब है जिसका हमने सीखा था उसका मतलब दो लफ्जों से मिलके बना है मूत शलाख, मौत लाएगी, उसकी मौत लाएगी। फिर हमने देखा उसके बाद लमक पैदा हुआ, लमक का मतलब था डिस्पेयरिंग, ना उम्मीद, लुटे पुटे लोग। और फिर उसके बाद नू पैदा हुआ जिसका मतलब था आराम। तो इस सारे को जब हम इकट्ठा रख के देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि आदम ने, इंसान ने अपने लिए मौत, दुख, तकलीफ और परेशानी चुन ली, लेकिन मुबारक खुदा नीचे आया सनूक हमें सिखाने के लिए कि मतूसला के उसकी मौत लेकर आएगी डिस्पेयरिंग और परेशान और दुखी और ना उम्मीद लोगों के लिए नू, यानी आराम और सुकून। और ये हमने देखा था, तो हमने हमने सीखा था कि इन नामों के पीछे बड़े खास मतलब हैं। अगर अगर आप देख रहे हैं और आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से दूसरों को भी बरकत मिल सकती है तो प्लीज डू शेयर इट। मैंने नोट किया है कि जिस वीडियो में मैं नहीं कहता कि शेयर ना कीजिए, लोग भूल जाते हैं। हमारे भी भाई सैमसन रत्ना है, क्वेटा से हैं, आई बिलीव उन्होंने इस वीडियो को मेरे कहने से पहले ही शेयर कर दिया। तो शेयर करने से क्या है कि हम खुदा के कलाम की खिदमत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। By the way, this is also a form of service. So, इसी तरह अगर यहाँ पर पैदाइश की पांचवें बाब में इन नामों के मतलब हैं, तो जो यहाँ पर जब इन 12 कबीलों को बरकत दी जा रही है, तो क्या उसके पीछे भी कोई छुपा हुआ पैगाम है, कोई ऐसा मख्फी पैगाम है जो कि हमें जानने की जरूरत है? So, the answer is perhaps yes. मैंने आपके साथ actually 12 कबीलों का भी जब शेयर किया था, तो मैंने उनके नामों को बाइबल में से आपको निकाल के बताए थे और उनके नामों के साथ एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम भी छुपा है। लेकिन हम जब इनको पढ़ेंगे, मैं अपनी पर्सनल स्टडी जो कर रहा था, मैं आजकल लास्ट बुक जो है नंबर्स, और फिर मैंने इस्तिस्ना शुरू कर रखी है, इस्तिस्ना और नंबर्स में मुझे जो एक बड़ा मजेदार पैसेज नजर आ रहा था, मैं चाह रहा था कि मैं चैप्टर 49 को जब हम कवर करें तो हम इन वादों को जो कि इन इन प्रॉमिस इस बरकत को जो कि उनके बाप ने उनको दी, उसको एक्चुअल 12 कबीलों के साथ रख के देखें और फिर हम देखें कि वो बरकत। और जैसे मैंने पिछले मैसेज में भी आपको कहा था कि जनाबे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को जब वो मिलने मिस्र में गए, तो उन्होंने फिराउन को भी बरकत दी थी, और फिराउन की बरकत का आलम यह था कि उसके बाद पूरा का पूरा मिस्र, उसमें एक एक गाय, बैल, भेड़, बकरी, जमीन, जायदाद, सब कुछ फिराउन का था। एंड दैट माइट बी द रीजन ऑफ द ब्लेसिंग दैट जेकब गेव हिम, और वो उस बरकत का नतीजा भी। और एक और बात बड़ी मजे की ये है कि वो हमें ये भी सीखने को मिलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो जो अभी बरकत जो जो उनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन आगे चल के यही रिश्ता जो है बहुत सावर हो जाएगा और मिस्री जो हैं वो इनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर देंगे और वो इनको मारने की फिर कोशिश कर रहे होते हैं। सो जनाब यकूब के दौर में ये रिश्ता कैसा है, और जब हकीकत में आगे जाके हम एक्सोडस में जब जाके पढ़ते हैं तो उसमें ये रिश्ता कैसा होता है। सो हम 49 को वी लीव इट फॉर नाउ। सो मैं आपके साथ इसी वीक में आई विल बी फिनिशिंग द बुक ऑफ जेनेसिस कम्प्लीटली, हमारी बुक खत्म हो जाएगी, जिसमें मैंने आपके साथ एक तो वो डिस्क्रिपेंसी ऑफ नंबर्स जो है उसको कवर करना है, दूसरा हम चैप्टर 49 को कवर करेंगे, और आज के दिन हम जो है 50वें चैप्टर को और जनाब मसीह के जो सिमिलैरिटीज हैं जनाब यूसुफ के साथ उनको शेयर करेंगे। बाय द वे एक बात ये बड़ी जरूरी है जो कि मैं चाहता हूं कि आप समझें कि जनाब मसीह और यूसुफ की सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी कि अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बाइबल में हिस्सा अगर किसी एक बुजुर्ग को दिया गया, शुरू से आदम से शुरू होती है, आदम के बाद नूह की स्टोरी आ जाती है, नूह के बाद इब्राहिम की स्टोरी आ जाती है, इब्राहिम के बाद इजहाक,
याकूब और फिर बीच में यहूदा का भी एक चैप्टर है, उनकी बहन के लिए भी एक चैप्टर है, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा जो बाइबल में इस किताब में जेनेसिस में जो किसी एक शख्स के एक बुजुर्ग के नाम किया गया है वो जनाब यूसुफ है, और उनको उनको हम देखेंगे। बाय द वे सो आज हम जनाब मसीह और जनाब यूसुफ की सिमिलैरिटीज को आखिर में खत्म करेंगे, लेकिन पहले हम जो सवाल मैंने आज अपने टाइटल में रखा है, बहुत से लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि क्या जनाब यूसुफ का जस्द खाकी मिस्री ममी बनाया गया था, क्या उसको ममीफाई किया गया था जैसा कि, और क्या इस तरह की कोई ट्रेडिशन हमें इसराइल में मौजूद नजर आती है या नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। लेट्स मूव इनटू चैप्टर 50। चैप्टर 50 में जाने से पहले मैं आपको दोबारा से एक दफा चैप्टर 48 की लास्ट वर्ड्स पे लेकर आऊंगा। मैंने आपको बताया था कि पेलोठा होना जो है वो हक होता था, एक एक एक, एक प्रिविलेज था, पेलोठा जो है वो लाजमी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पहले पैदा होने वाला बेटा हो, क्योंकि हमें पता है कि पहले इस्माइल इसहाक से पहला पैदा हुआ था, लेकिन पेलोठे की बरकत वादे का फर्जंद होने की वजह से इसहाक के पास थी। इवन पहला जो नस्ल है काइन और हाबिल को भी देख लीजिए, तो काइन पहले पैदा हुआ था, हाबिल बाद में पैदा हुआ, लेकिन खुदा ने मकबूल जो है खुदा की नजर में वो हाबिल था, काइन नहीं था। फिर आगे जब चलते जाते हैं, मैंने पीछे भी सिम हाम और याफत के बारे में कह रखा है कि इंग्लिश स्कॉलर्स उसके बारे में क्या समझते हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सो मेरा ख्याल है कि सिम ही सबसे बड़े थे। फिर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जनाबी याकूब और इसाऊ में भी इसाऊ बड़े थे, लेकिन बरकत उसको मिली। फिर आगे जब इनसे भी आगे जब हम चले, फिर यहाँ पे देख लीजिए 12 बेटे हैं, 12 में से पलोठे की बरकत जो है वो यूसुफ को मिली है, रूबन को नहीं मिली। इसका रेफरेंस हमें पहली तवारीख 5वें बाब में भी मिलता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम जनाब यूसुफ का जनाब यहूदा का ये पैसेज देखें, तो जनाब यहूदा सॉरी जनाब यहूदा नहीं जनाब दाऊद का, तो जनाब दाऊद भी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे बड़ी फैमिली का किंग प्रीस्ट एंड द लीडर होने का उनको हक मिला। जनाब सुलेमान की बात कर लीजिए, तो सुलेमान भी अपने भाइयों से छोटे थे, अभी सलूम और दूसरे एडोनाइजा और बाकी सारे भी बड़े थे। मैं दुनिया मेरा ख्याल उसको उर्दू में कहते हैं, मैं इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको उर्दू में इस तरह नहीं, मुझे सही एग्जैक्ट मैं गलत नहीं बोलना चाहता। सो ये सारी बातें, और ये हम देखते हैं कि जनाब यूसुफ को पेलोठा होने का बरकत जो है शरई तौर पे वो ये है कि उसको जायदाद का दुगना हिस्सा मिलता है, जितना भी बाकी भाइयों को मिलेगा उसमें उसका दुगना हिस्सा पेलोठे को मिलता है। और अगर आप गौर करें तो 48वें बाब में और उसकी लास्ट आयत में अगर आप आके देखिए, मैं आपके साथ, आपको पता है कि मैं आपको बाइबल ऑनलाइन ही बाइबल दिखा देता हूँ ताकि उससे हमें बड़ी हेल्प हो जाती है। वो भाई जिनके पास बाइबल नहीं होती वो ऑनलाइन भी बाइबल को देख सकते हैं। सो मैं आपके लिए 48वें बाब की लास्ट वर्स दिखाई देता हूं आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ है जब वो बाप जब जनाबी याकूब इसरा यूसुफ को बरकत दे रहे हैं, सो 18वीं आयत में लिखा, और यूसुफ ने अपने बाप से कहा, और उसने यूसुफ को ये बरकत देते हुए 17वीं आयत में भी हमें नजर आता है। फिर 21वीं आयत, और इसराइल ने यूसुफ से कहा, मैं तो मरता हूँ लेकिन खुदा तुम्हारे साथ होगा और तुमको फिर तुम्हारे बाप दादा के मुल्क में ले जाएगा, और मैं तुझे 22वीं आयत में, मैं तुझे तेरे भाइयों से ज्यादा एक हिस्सा जो मैंने अमूरियों के हाथ से अपनी तलवार और कमान से लिया देता हूं, यानी ही हैज गिवन हिम एन एक्स्ट्रा पोर्शन। और ये जो ये 22वीं आयत है, इसका रेफरेंस कहीं और हमें पूरी बाइबल में नहीं मिलता सिवाय यूहन्ना की इंजील 4 बाब में, जहां पे वो औरत जो कुएं पे खड़ी पानी भरी होती है और यीशु से कहते हैं मुझे पानी पिला, तो वो कहती है कि क्या तू हमारे बाप याकूब से भी बड़ा है जिसने ये कुआं खोदा। सो ये वो, और वो कुआं उसी जगह पे था, सो दैट वाज द लैंड। और फिर इसका एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल ये है कि जनाब यूसुफ को ने जब अपने बच्चों को ये हदायत की थी, अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मुझे यहां से लेके जाना, मेरी हड्डियों को भी आना छोड़ना, सो वो जो है उसकी जो तदफीन उन्होंने अपने प्रॉमिस लैंड में जाके की थी वो सिकम की जगह पे थी। ये वही जगह है जो कि उनका वाले साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने
अमूरियों से छीनी थी। इसके बाद चैप्टर 49 शुरू होता है और लिखा है, और यकूब अपने बेटों को बुलवाया और वो मरने वाले हैं, अपने बिस्तर मर्ग पर हैं और अपने बेटों को सबको बरकत दी। इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और चैप्टर 50 पे आते हैं, तब यूसुफ, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप लास्ट वर्सेस की देखिए चैप्टर 49 की, तो उनके वाले साहब ने अपनी जान, उनकी जान जो है वो निकल गई है 23-33 में। और जब यकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पांव पिछौने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। ये खुदा के लोगों के लिए हमेशा यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो अपने लोगों में जा मिला, यानी वो अपने लोगों से इकट्ठा कर लिया गया, वापस बुला लिया गया। सो अगर अगर हम यहाँ पे देखें चैप्टर 50 शुरू करते हैं, तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा। अब उसके बाप की डेथ हो चुकी है, वो अपने बाप को चूम रहा है और रो रहा है। और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। ये बात हमें थोड़ी सी इसमें उर्दू में उतनी क्लियरली समझ नजर नहीं आती, ये 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 जो रेफरेंस है ये हमें उर्दू में इतना क्लियरली नजर नहीं आता। बाय द वे, यहाँ पे जनाबी यूसुफ की डेड बॉडी को ममी बनाने की बात की जा रही है। अगर आप ये मेरे साथ आप देखिएगा, I'm sure that you can see ये चैप्टर 50 ब्लू लेटर बाइबल्स मैंने आपके ब्लू लेटर बाइबल मैंने आपके लिए खोली है। इस ब्लू लेटर बाइबल में आप देख सकते हैं कि लिखा है, एंड जोसेफ कमांडेड हिज सर्वेंट्स द फिजिशियंस, उसने अपने फिजिशियन जो नौकर थे उनको क्या कहा, उनको कहा टू एम्बाम हिज फादर एंड फिजिशियन एम्बाम्ड इज़राइल। और उन्होंने इसको इसके थोड़ी सी जरा जाके गहराई में देखने की कोशिश कर, शन्नात या खन्नात इसका मतलब भी हो सकता है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ प्रिमिटिव रूट टू स्पाइस टू इम्प्लिकेशन टू एम्बाम। एम्बाम होता था भर देना। आपको पता है कि मैं मेरा ईमान है कि जो मिस्री थे ना, ये बड़े दाना लोग थे, ये ऐसे बेवकूफ लोग नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे जिस्मों को शायद मरते वक्त देखा और उनको देखा कि कैसे कीड़े कैसे पड़ते हैं जिसमें में गलना सड़ना कैसे शुरू होता है, फिर वो जो गलने सड़ने वाले सारे हिस्से होते थे तो उनको निकाल लेते थे, बाकी चीजों को प्रिजर्व कर लेते थे। गोश्त को, आपको पता ना कि गोश्त को अगर नमक लगा दिया तो प्रिजर्व हो जाता है, सो बाकी चीजों को प्रिजर्व कर लेते थे। और अगर आपको याद हो तो रोगने बल्सान के बारे में जब हमने पीछे स्टडी किया था, तो रोगने बल्सान जो है वो एम्बामिंग के लिए यूज होता था और खुशबू इसमें भरी जाती थी। और यहाँ पे भी देखिए, टू स्पाइस और सीजन सच इन द सेंस टू एम्बाम कॉर्पसेस, लाशों को खुशबू से भरना। और ये जनाबे मेरी मेरी अपनी काबिलियत है, मैंने किसी उसको कहते नहीं सुना, लेकिन अगर आपको इसके खिलाफ कोई एविडेंस मिले कि नहीं ऐसी बात नहीं, आप गलत बात करें, तो प्लीज फील फ्री टू सेंड मी योर अपना अपनी राय मुझे जरूर भेजिए, मैं उसको जरूर बर जरूर सीखने की उससे कोशिश करूंगा और मैं अपने पॉइंट को साबित करने की कोशिश करूंगा, अगर नहीं तो मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमें पता चलता है कि क्या है, तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से, और यूसुफ ने उन तबीबों को जो उसके नौकर थे अपने बाप की लाश में खुशबू भरने का हुक्म दिया। खुशबू कहां से भरनी थी, वो क्या करते थे, पेट खोलते थे, पेट खोलकर अंदर से अंतड़ियां सब कुछ निकाल लिया जाता था, उसको सबको निकाल के खाली कर देते थे, जो आपकी कैविटी होती है अंदर से, उस कैविटी को खाली करके और उसमें फिर वो इस तरह का उसको एम्बाम करते थे कि वो जिस्म जो है, आपने देखा होगा आज भी मिस्री जो लोग हैं, मिस्री ममीज जो हैं, वो हमें ब्रिटिश म्यूजियम में मैंने बहुत सारी देखी हैं, आपने किसी और जगह पे भी बहुत सारी दुनिया के म्यूजियम्स होंगे जहाँ पे ये होंगी, कभी ऐसी किसी मुल्क में आपका रहना हो या जाना हो जहाँ आपको ममी मिल सकती है तो जरूर देखी गए, दे वेरी वेल प्रिजर्व्ड। और हम देखते हैं कि वो बेशक, और बाय द वे ये 40 दिन का प्रोसेस होता था, एकदम नहीं ममी को वो ममी बना देते, उसको वो काटते थे, उसको में से चीजें निकाल लेते थे और फिर उनको जो है वो ऐसा जिस्म का कोई भी हिस्सा जिसमें कीड़ा पड़ सकता है या वो अंदर से जिस्म को खा सकता है, खत्म कर सकता है, उसको निकाल के
उसको रिप्लेस कर देते थे, अंदर भूसा भर देते थे, अंदर से अंतड़ियां वंतड़ियां सब निकाल दी जाती थी। और तीसरी आयत, और इसके 40 दिन पूरे हुए क्योंकि खुशबू भरने में इतने ही दिन लगते थे। बाइबल में भी इसका बिल्कुल एग्जैक्टली रेफरेंस हमें मौजूद है। मिस्री जो जो उनकी ट्रेडिशंस हैं उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि 40 दिन ही लगते हैं इस सारे प्रोसेस, और मिस्री उसके लिए 70 दिन तक मातम करते रहे। बाय द वे 70 दिन तक मातम जो है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि he was considered a very high dignity, बहुत ही आला किस्म का इंसान उनको तस्वर किया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि फिराउन की जब डेथ होती थी तो कितने दिन मातम होता था? 72 डेज, 72 दिन के लिए फिराउन के लिए मातम होता था। और आप ये देखिए कि जनाबे याकूब के लिए 70 दिन मिस्रियों ने मातम किया है, उन्होंने उनके बच्चों ने तो मातम किया ही किया, उसका आगे जिक्र आगे भी हमें जाके मिलेगा, लेकिन मिस्रियों ने भी उनके लिए 70 दिन मातम किया है। दैट इज हाउ गॉड एग्जॉल्ट्स हिज पीपल अबव एवरीथिंग एल्स। और जब मातम के दिन गुजर गए तो यूसुफ ने फिराउन के घर के लोगों से कहा कि अगर मुझ पर तेरे तुम्हारे करम की नजर है तो फिराउन से जरा अर्ज कर दो कि मेरे बाप ने ये मुझसे कसम लेकर कहा है कि मैं तो मरता हूं, तू मुझको मेरी गोर में जो मैंने मुल्क किनान में अपने लिए खुदवाई है उसी में खुदवाई है दफन करना, इसीलिए जरा मुझे इजाजत दे मैं वहां जाकर अपने बाप को दफन करूं और मैं लौट कर आ जाऊंगा। अब ये जो कब्र का जिक्र यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, ये कब्र वही कब्र है। और जो जो कब्र का जिक्र है ये वही कब्र है जिसे मैकफिला कहा जाता है, ये हमने देख भी रखी है पीछे, इसके बारे में काफी दफा बात की है, सो आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको बड़ा बहुत जबरदस्त सीखने की बातें इसमें से मिल सकती हैं। फिराउन ने कहा कि जा और अपने बाप को जैसे उसने तुझसे कसम ली है दफन कर। सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला और फिराउन और सब खादिम और उसके घर के मशायख और मुल्क मिस्र के सब मशायख और मतलब वो बड़े उसके साथ जो हैं वो सारे जा रहे हैं। सो इसके लिए ठहरिएगा एक मिनट, वर्स नंबर 7, इफ वी लुक एट जोसेफ वेंट अप टू बरी हिज फादर विद हिम वेंट अप ऑल द सर्वेंट्स ऑफ फैराओस एंड एल्डर्स ऑफ द हाउस एंड द एल्डर्स ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। वो अकेला नहीं गया है, यानी आप देखिए कि उसकी उसके बाप की वफात पर इतना ज्यादा प्रिविलेज है कि एक हिसाब से नेशनल हॉलीडे जैसा शुरू हो गया है, और मातम के 70 दिन वहां पे उन्होंने मातम किया है, फिर वो आगे जाकर वहां पर भी मातम करेंगे। और यूसुफ के घर के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के घर के एक के आदमी उसके साथ गए, वो सिर्फ अपने बाल बच्चे और भेड़ बकरियां और गाय बैल जशन के इलाका में छोड़ गए और उसके साथ रथ और सवार भी गए। सो एक बड़ा नबुआ उसके साथ था। अच्छा, बच्चे छोड़े हैं, इसके लिए बारे में एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा का कलाम बच्चों की डेफिनेशन जो है और बड़ों की डेफिनेशन जो है वो इस तरह कहता है कि जो 20 साल से बड़ा है वो बड़ा है। इसका मतलब है कि जनाब यूसुफ के बेटे जो थे वो गए होंगे, वो रहे नहीं होंगे। जनाब यूसुफ के बेटे इस वक्त तक लगभग हमने पिछली दफा कैलकुलेशन करके देखी थी कि लगभग 25-27 साल तक के भी शायद हो सकते हैं। सो वो भी अपने दादा को दफन करने गए होंगे, और उसका फायदा ये है कि उन्होंने अपने ना सिर्फ दादा को दफन किया, अपने परदादा की कब्र भी वहां देखी और अपने परदादा के बाप की भी कब्र, यानी बाप इब्राहिम की कब्र भी वहां पर देखी होगी। सो अब ये देखिए कि उनको ममेफाई करके लेके जाया जा रहा है। और बाय द वे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनको ममीफाई किया था, जनाब यूसुफ को भी ममीफाई किया था। ये बात आपको बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बड़ी अजीब सी लग रही हो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये खुदा के कलाम में मैं आपको इसके रेफरेंसेस भी दे रहा हूँ कि उन्होंने उसके अंदर खुशबू भरी थी। खुशबू भरना जो है ममीफाई करने का प्रोसेस
है। आयत नंबर 10 में, और वो अंदर के खलियान पर जो यर्दन के पार है पहुंचे, और वहां उन्होंने बुलंद और दिल सोज आवाज से नोहा किया, और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम कराया। अब उनके लिए वो पहले तो इजिप्शियन तरीके से 70 दिन मातम हुआ, अब बाप के लिए जो जो उनका इब्रानी तरीका जो जो उनकी उनका ट्रेडिशन था उसके हिसाब से भी 7 दिन और मातम किया। और जब उस मुल्क के बशिंदों यानी कि नानियों ने अंदर अंध में खलियान पर इस तरह का मातम देखा तो कहने लगे कि मिस्रियों का ये बड़ा दर्दनाक मातम है। नाउ जस्ट कंसिडर दैट दे आर कंसिडर्ड एज मिस्री, उनको वो मिस्री समझ रहे हैं। सो वो जगह अबील मिज़राइम कहलाई और वो यर्दन के पार है। अब यर्दन के पार का मतलब है कि ये वो यर्दन का दरिया जो गुजर रहा है उसे पार होकर गए हैं, और याकूब के बेटों ने जैसा उसने उनको हुक्म किया था वैसा ही उसके लिए किया, क्योंकि उन्होंने उसे मुल्क किनान में ले जाकर ममरे के सामने, ठीक है जी, ये ममरे के सामने फिर मकफिला के खेत के मगारा में, जिसका मतलब है आई थिंक, मैं थोड़ी सी उर्दू वीक है तो मैं इसको इंग्लिश में भी एक दफा आपके लिए देख देता हूँ, शायद इसका मतलब है द केव्स, एक नहीं है तो ज्यादा है। फॉर हिज सन्स कैरिड हिम इनटू द लैंड ऑफ कैनन, और उसको किनान में लेके गए, एंड बरिड हिम द केव ऑफ द फील्ड ऑफ मकफिला, और उनको मकफिला के गार में जो है वो दफन किया है, जिसे इब्राहिम ने इफ्रून हत्ती से खरीद कर गोरिस्तान के लिए अपनी मिल्कियत बना लिया था, दफन किया। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि मकफिला जो है इसका मतलब ही दो कब्रें हैं, ठीक है, इसका मतलब ही दो कब्रें हैं। सो और ये इस पे हम काफी बात कर चुके हैं, सो मैं और वक्त इस पे नहीं लेता। और यूसुफ अपने बाप को दफन करके अपने भाइयों और उनके साथ जो उसके बाप को दफन करने के लिए उसके साथ गए थे मिस्र को लौट, अब वो सारे के सारे लोग जो हैं वापस आ गए, और यूसुफ के भाई ये देख करके उनका बाप मर गया कहने लगे कि यूसुफ शायद हमसे दुश्मनी करे और सारी बदी का जो हमने उससे की है पूरा बदला ले। अब वो डरे हुए हैं कि यूसुफ जो है हमसे बदला ले सकता है क्योंकि हमने बुरा किया था, अभी तक तो हमारा बाप जिंदा था, बाप अपना वास्ता देकर बचा सकता था। सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनाब यूसुफ जो है ऊपर वाले इलाके में नीचे रहते थे, ये ऊपर गोशन के इलाके में रहते थे, और बीच में थोड़ा सा गैप है, हम देखते हैं कि वो फासला जब वो बाप आता है तब भी मिलने के लिए अपने रथ पर सवार होकर जनाब यूसुफ वहां जाते हैं, और बाद में जब उनका बाप बीमार है तब भी वो वहां पे उनको उसी तरह मिलने जाते हैं। दो दफा का जिक्र लगभग जरूर मौजूद है जब वो अपने बाप को मिलने गए हैं। और 17वीं आयत में, और सो उन्होंने यूसुफ को ये कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से आगे ये हुक्म किया था कि तुम यूसुफ से कहना कि अपने भाइयों की खता और उनका गुनाह अब बख्श दे। यानी वो डरे हुए हैं, उनको पता है कि वी आर नो मैच फॉर हिम, उसके जो ख्वाब वो देखा करता था कि वो हम पे सल्तनत करता है, हम पे हुकूमत करता है, वो बिल्कुल पूरा हो गया, बख्श दे क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की। सो अब तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता बख्श दे। और यूसुफ, बाप के खुदा का टर्म मैंने पहले भी बताया था कि दिस रेफर्स टू द गॉड ऑफ योर फादर्स which is 100% surety कि आपकी नस्ल में कोई ऐसा बीच में कोई नया काम नहीं आपने शुरू कर दिया, वही खुदा है जिसको आपका बाप या आपका दादा या आपका परदादा भी मानता। और यूसुफ इन उनकी ये बातें सुनकर रोया, और उसके भाइयों ने खुद भी उसके सामने जाकर अपने सर टेक दिए और कहा, देख हम तेरे खादिम हैं। Now this is ultimate. वो जितनी दफा भी बेचारा हम्बल होता है वो उतनी दफा और झुक जाते हैं, वो हालांकि वो रो रहा है लेकिन वो they knew कि अब हमारे। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं? तुमने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया था लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए, चुनाचे आज के दिन ऐसा ही हो रहा है। ठीक है,
अब ये हमने देखा था कि जनाब यूसुफ का किस इन मामलात में, स्पेशली मुश्किल के दिनों में, इन चीज़ों को देखने का रवैया बिल्कुल फ़र्क था। वो बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं और वो कहते हैं कि जी खुदा ने उससे अच्छाई पैदा की है। एंड मैंने मैंने पहले भी बताया था कि हमें पॉजिटिविटी से सीखने की ज़रूरत है कि हम जितने मर्जी भी मुश्किल नेगेटिविटी से घिरे हों, देयर इज ऑलवेज अ वे दैट वी कैन लुक एट पॉजिटिविटी, और उस पॉजिटिविटी से हम बहुत बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि वो हालांकि उनके भाई उनसे डर रहे हैं, लेकिन ही स्टिल इज कीपिंग स्टेइंग पॉजिटिव एंड खुदा का जो है नाम इससे इज्जत जला पाता है। बाय द वे मैं इससे अभी अभी इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम जनाब मसीह और जनाब यूसुफ की जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन पर गौर करेंगे। इसलिए तुम मत डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे बाल बच्चों की परवरिश करता रहूंगा। यूं उसने अपनी मुलायम बातों से उनकी खातिर जमा की। यानी वो इतने देवर सो हार्श, वो इतना सख्त उसके साथ बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनको उनके साथ अच्छे से पेश आता रहा और उनको हौसला बढ़ाता रहा। और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। अब आयत नंबर 21 और 22 में इसको मैंने आपको पहले भी इनकरेज किया है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करें। आई डोंट नो मैं भी सही करूंगा कि नहीं करूंगा, बार बार करने से हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। जनाब यूसुफ 17 साल के हैं जब वो मिस्र में आ गए हैं, 30 साल के हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और कितने साल जिए हैं, 110 बरस। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 80 साल वो और जीते रहे हैं। उनके बाप की डेथ कब हुई है, मिस्र में आने के 17 साल के बाद। वो मिस्र में कब आए थे, जब वो 30 साल के थे, नहीं, नो, व्हेन ही वाज अप्रोक्सीमेटली, जब वो 30 साल के थे प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद 7 साल फरावानी के थे, तो जनाब यूसुफ की उम्र 37 साल हो गई। और 2 साल हमें पता है कि 2 साल हुए थे जब वो दूसरी दफा आए हैं, और उन्होंने कहा अभी और 5 साल बाकी है। इट मीन्स के काल के 2 साल अभी गुजरे थे, तो जनाब यूसुफ की उम्र कितनी होगी, 39 ईयर्स। और लगभग उसके थोड़ी देर बाद उनके वाले साहब आ जाते हैं, तो ही वॉज 40 अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स ओल्ड जब उनके वाले साहब वहां पर आते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अब 130 बरस का हूं, और उसके बाद वो 17 साल और जिए। तो इसका मतलब है जनाब यूसुफ की उम्र 57 ईयर्स के लगभग थी जब उनके वाले साहब की डेथ हुई। फिर से आई होप आप, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको पीछे करके दोबारा जाके देखिएगा, यू विल एंजॉय दैट कैलकुलेशन, एंड मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी करें, बिकॉज दिस इज अ वे दैट आई वांट टू इनकरेज पीपल टू थिंक, एंड ताकि हम खुदा के कलाम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सो जनाब यूसुफ की उम्र यहाँ पे तकरीबन 57 ईयर्स की है जब उनके वाले साहब की डेथ हुई है, और उसके बाद वो फिर तकरीबन 53 साल और जीते रहे हैं। और 53 सालों में जारी बात है 110 साल तक तो वो नहीं रहे होंगे फिरौन के साथ, कुछ उम्र रिटायर्ड भी उन्होंने गुजारी होगी, जिसकी वजह से आगे हमें नजर आता है। और बाय द वे आपको पता है कि अगर ये जेनेसिस के ये चैप्टर्स ना हो, या आखिरी 10-15 चैप्टर्स ना हो पैदाइश के, तो हमें खरूज की किताब की समझ नहीं आएगी, कूच की किताब की बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जनाब यूसुफ की कहानी अगर आप पैदाइश की किताब में से निकाल दें तो आप को बिल्कुल जरा सी भी बात समझ नहीं आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यू फॉलोइंग मी? सो ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि इसके पीछे बहुत सारी बात जो है वो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, जो कि अगर हम करते हैं, ना ही नहीं भी करते तो नो प्रॉब्लम, हम ईमान से इस बात को मान रहे हैं, लेकिन बीइंग अ वेरी डिलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो दैट एंड अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियर। 23वीं आयत में चलते हैं। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, इट मीन्स कि जब जनाबे यूसुफ की डेथ हुई है 110 साल की उम्र में, उनका इफ्राइम बेटा जो है वो भी दादा बन चुका हुआ है। नाउ इफ्राइम इज दादा एज वेल।
और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी और मनस्सी के बेटे मकयर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। बाय द वे इब्राहिम ने भी, बाप इब्राहिम ने भी जो है याकूब और इसाऊ देखे थे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जनाब इब्राहिम ने भी इसाऊ और याकूब देखे थे, उनको खिलाया भी होगा, लेकिन उनके लिए टर्म यूज नहीं हुई, लेकिन जनाब यूसुफ के लिए की। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं मरता हूं और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा। अच्छा बाय द वे आप एक बात ज़हन में रखिएगा, इब्रानी जुबान में पोतरा जो है उसका कोई टर्म नहीं है, या दादा भी जो है ना, दादे के लिए भी लफ्ज नहीं है कोई सेपरेटली, उसको बाप ही कहा जाता है। इसी और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं आप डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं आपको बड़ी बहुत सारी मिसालें इसकी दे सकता हूँ। इसमें से बाय द वे मुझे एक बड़ा रेफरेंस याद आ रहा है जो मैं खुद पर्सनल स्टडी कर रहा था, बुक ऑफ डैनियल इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें इंतहाई मजेदार बात यह है कि आपको पता है कि जब बादशाह जो था, क्या नाम है, नबूकदनज़र, नबूकदनज़र का बेटा लिखा हुआ है, उसका बेटा नहीं उसका पोता था, उसके लिए भी बाइबल में बेटा ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उसके बेटे का नाम डिफरेंट था, उसके पोते का नाम एग्जैक्टली बेलशज़र था, और लेकिन हम उसको बेटा ही बाइबल में लिखा गया, हालांकि वो पोता था। सो बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे मौजूद हैं जिनमें पोते के लिए लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं है, दादा के कोई लफ्ज नहीं है, बेटा या बाप ही इस्तेमाल किया जाता। सो जब यहाँ पे यूसुफ अपने भाइयों से कह रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपने भाइयों के बेटों से कह रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं, उनके भाई भी मर गए हैं यहाँ पे। और यूसुफ ने अपने भाइयों, क्योंकि वो छोटे थे अपने भाइयों से बहुत, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा मैं मरता हूं और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस मुल्क से निकाल कर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसके देने की कसम उसने इब्राहिम और इजहाक और याकूब, इब्राहिम और इजहाक को इन्होंने देखा नहीं देखा, पर इनको कैसे याद है कि इब्राहिम और इजहाक कौन है, क्योंकि हमें पता है कि जब ये अपने बाप याकूब को दफन करने गए थे तो दे कनेक्टेड टू देयर हिस्ट्री, दैट्स व्हाई गॉड मेड इट पॉसिबल फॉर इब्राहिम टू बाय दैट पीस ऑफ लैंड, 400 चांदी के मस्काल के इविज उन्होंने वो जगह ली थी, और यूसुफ ने और इसीलिए वो जगह जो है बहुत ही फिर खास हो गई थी। सो हम देखते हैं कि आयत नंबर 24 में पढ़ रहा हूं और लिखा है कि उसने कहा यहाँ पे जाके उसने कि तुमको इस मुल्क से निकालकर उस मुल्क में पहुंचाएगा जिसका देने की कसम उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई थी, और याकूब ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, अब देखिए सॉरी, और यूसुफ ने, जनाब यूसुफ ने बनी इसराइल से नहीं, अपनी सारी जो नस्ल है उनसे, जितने भी लोग उनको जानते थे, उनसे कसम ली है और ये कहा है खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। मैं आपको बाय द वे अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश करता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही समझा करता था, और अगर मैं अपनी कम इल्मी का इजहार आपके सामने करता हूँ, मैं समझता था कि वहां पे कोई कब्र होगी, जैसे जनाब मसीह कब्र थी वहां पे हड्डियां पड़ी होंगी, उन्हें इकट्ठी करके थैली में डाल के, तो एक छोटी सी बुशकड़ी में डाल के, या कुजे में जैसे हिंदू डालते हैं समाधि, वो अस्थियां, उस तरह किया होगा। बट दैट्स नॉट ट्रू, जोसेफ वॉज ममीफाइड एज वेल। कैसे पता चलता है, अगली आयत से देख लीजिएगा, अगली आयत से देख, और यूसुफ ने 110 बरस होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। अब ये ममीफाई करके ताबूत में रखा, अब दो कम अज कम इसराइली और खुदा के लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके बारे में हमें वेरी क्लियरली ये रेफरेंस मिलता है कि वो ममीफाई किए गए थे। डू यू गेट माई पॉइंट, उनको ममीफाई किया गया था। अब आप कहेंगे कि जी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस बात पे इतना जोर देना कि उनको ममीफाई किया गया था, इसके बारे में मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं क्या सोच रहा था और मैं क्यों चाहता हूं कि आपको ये बात जरूर बताई जाए। मैं सोच रहा था कि मैकफिला की जो कब्र मौजूद है वहां पर कम से कम एक ममी तो पड़ी होनी चाहिए, किसकी, जनाबे याकूब की। मैकफिला इसराइल में एक शहर है हबरून, जिसे उर्दू में कहते हैं,
वो हम इंग्लिश में हेब्रॉन कहते हैं, और इसराइली जो है उसको हवरान कहते हैं, हवरान, ब को व कहते हैं, जैसे जो जो खुदा आपका भला करे, जो सऊदी हैं वो प को ब कहते हैं, पाकिस्तान, और इसी तरह जो जो मिस्री है वो। इसीलिए हम जिस महीने को साल का पहला महीना बिब्लिकल कैलेंडर में, सिविल कैलेंडर में नहीं, ये बिब्लिकल कैलेंडर में जो पहला महीना है खुदा के कैलेंडर का, उसका नाम है अबीब या निसान। इसको हम उर्दू में अबीब या निसान कहते हैं, वो उसको अवीव कहते हैं, अवीव, ब को व कहते हैं, इसलिए हेब्रॉन को हेवरॉन कहते हैं। हेब्रॉन जो है एक शहर है जो कि जनाब यरूशलम से लगभग 20 मील नीचे होगा, बेरसबा के पास करके, बीर सबा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, बीर सबा के पास करके है। वहां पर वो कब्रें मौजूद हैं, मैंने आपको मैकफिला की कब्रें भी दिखाई थी। वहां पर कुछ इसराइलियों ने 1987 में अंदर जाकर वो गारें भी ढूंढ ली, क्योंकि उसके ऊपर अब एक बिल्डिंग बन चुकी है, उसका फर्श तोड़कर वो नीचे गए थे, गारें भी उनको मिल गई जहां पर उन्हें कुछ हड्डियां मिली हैं। बाय द वे, यहाँ पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहां पर ममी नहीं हो सकती। अब आप पूछ सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं हो सकती, और इसका जवाब हमें मिलता है मत्ती की अंजील में 28वें बाब में। लिखा है कि जब मसीह ने जान दी तो क्या हुआ था, कब्रें खुल गई थी, चट्टाने तिड़क गई थी, और तमाम मुकद्दसीन जो थे वो बाद में क्या हुए, नजर आए लोगों को चलते फिरते। उन मुकद्दसीन में वो सारे मुकद्दसीन होंगे जो कि मुंतजर थे किसके, शायलो के, मसीहा के आने के, मसाया के आने के। बाय द वे, शायलो का रेफरेंस मुझे याद आ रहा है, हमने छोड़ दिया है, 40 चैप्टर 49 में है। चैप्टर 49 में अगर आप देखें तो जनाबे यूसुफ जब बेटों को अपने वो दे रहे हैं ना, मुझे ऐसा शायद एकदम ढूंढना मुश्किल ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो यहूदा को बरकत दे रहे थे ना, हाँ जी, 10वीं आयत में, 40 चैप्टर 49 की वर्स नंबर 10 में, चैप्टर 49 वर्स 10 में वहां पे लिखा है, ये जनाब याकूब अपने बेटों को बरकत दे रहे हैं और यहाँ पे यहूदा को बरकत दी जा रही है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा जब तक शेलो ना आए, या जिसे इंग्लिश में शायलो कहते हैं, शायलो ना, शेलो ना आ जाए और कौमें उसके मती होंगी। ये शेलो का मतलब है द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड, मेरा ख्याल इसका लफ्जी मतलब ये है, लेकिन All the Hebrew scholars and all the Hebrew rabbis have agreed कि ये लफ्ज शायलो जो यहां इस्तेमाल हुआ है, ये शिलो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये मसीहा के लिए है। So इस पे कल हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, जब हम चैप्टर 49 करेंगे, there will be fabulous information that I will be sharing, जिसको मैं इसीलिए आपके साथ अभी रोके हुए हूं इस सारी इंफॉर्मेशन को, कि हम उसको बाद में बड़े मजेदार तरीके से सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने को। चैप्टर मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील चैप्टर 27 में अगर आप मेरे साथ आ जाइए तो आपको एक इंतहाई मजेदार पॉइंट मैं रेफरेंस यहाँ पे दिए देता हूँ। यहाँ पे आयत नंबर 50 में अगर हम गौर करें तो लिखा है, यस्सू ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टाने तिड़क गई और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकदसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद, पहले नहीं, उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकदस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। सो मेरे भाई और मेरी बहन, अगर हमें जनाबी यूसुफ या जनाबी याकूब की ममीफाइड बॉडी देखने का शौक था तो वो भी मैंने आपके साथ अभी खत्म कर दिया है, वो हमें नहीं मिल सकती। दे आर रिजन बिकॉज दे वर वेटिंग द शायलो, दे वर वेटिंग फॉर द प्रॉमिस्ड सन दैट वाज गोइंग टू बी सेंट। और 7 AD में जनाब मसीह जब 7 से 9 10 साल के होंगे, उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त वाकया हुआ था जिसमें शायलो से रिलेटेड एक रेफरेंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाइबल का हिस्सा नहीं है, तारीख में मरकूम है, जो सीफस ने इसको अपने रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी कर रखा है, और उसको हम
कल देखेंगे. सो अब मेरा मेरा पॉइंट आप समझ पाए हैं. मैं आई होप कि मैंने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर दिया. ये सारी चीजें ये वंडरफुल वंडरफुल पॉइंट्स जो कि आई थॉरली एंजॉय. एक एक बात को 25वीं आयत 26वीं आयत को फिर से आपके लिए पढ़े देता हूँ. और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम जरूर ही मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना. और यूसुफ ने 110 बरस का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा. सो इसराइली जो थे उन सबको पता था कि ये कहाँ पे है, उनकी डेड बॉडी कहाँ पे है. और हम देखते हैं कि उन्होंने बाकायदा जो है जब वो वहां से निकले हैं उन्होंने लिया. और बाय द वे आपको पता ना कि जब वो निकले थे तो बहुत सी बैलगाड़ियां और बहुत से जानवर, उनमें से एक बैलगाड़ी डेफिनेटली वो थी जिसके ऊपर ममी पड़ी हुई थी, एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी. वो ममीफाइड बॉडी का एक जो ताबूत होगा वो रखा होगा, क्योंकि दे न्यू दैट आवर फादर जोसेफ आस्क्ड अस टू टेक हिम आउट ऑफ दिस प्लेस. सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को खूब इंजॉय किया होगा. आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं और अब हम गौर करने लगे हैं उन नुकात पर जिनका मैंने आपसे पहले से कह रखा था. वो बड़ी बड़ी बड़े यूनिक पॉइंट्स हैं. दे आर वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स, वंडरफुल पॉइंट्स, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली एंजॉय देम. वो है जनाबे मसीह और जनाबे यूसुफ का मुआजना. हम उनको कंपेयर करके देखने लगे हैं. सो जनाबे मसीह और जनाबे यूसुफ का मुआजना, बाय द वे आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं. आई मीन द बुक ऑफ जेनेसिस, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि यू नो इट्स बीन ओवर 2 months आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन द बुक ऑफ जेनेसिस. शायद अगर मैं इसको छोटा ना करूं या लिमिट ना करूं सारी इंफॉर्मेशन को जो कि शेयर की जा सकती है, तो पूरा साल मैं इसी पे बोलता रहूं. और मैं अभी हफ्ते में 3 दिन बोलता हूं, उससे पहले मैं हफ्ते में 5 दिन बोल रहा था. एंड इज लॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग सेशन. एंड और इतनी इतनी इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी यूनिक. बाय द वे चलिए अब मेरे साथ, मैं चाहूंगा कि हम साथ साथ रेफरेंसेस भी खोलते जाएं. कुलसियों की किताब 2:3 या इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि मैं अगर आपके साथ आपको स्क्रीन पे दिखा दूं तो आई थिंक दैट कुड बी अ बिट ऑफ हेल्प. और मैं अपने नोट्स जो हैं इसमें, बाय द वे इस सिमिलैरिटीज की अगर बात की जाए तो खुदा के बहुत बड़े बड़े खादमों ने इस पे काम कर रखा है, जिसमें आर्थर डब्ल्यू पिंक जो हैं उन्होंने मोर देन 100 सिमिलैरिटीज बिटवीन जीसस एंड जोसेफ निकाली है, विच इज क्वाइट अ लॉट, बहुत ज्यादा है. हम सारी तो ऑब्वियसली नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम कुछ बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो सिमिलैरिटीज हैं उन पर गौर करके आगे को निकलेंगे. सो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर आप देखें तो जनाबे यूसुफ को एक जबरदस्त काउंसलर के तौर पर, एक ऐसे वजीर के तौर पर, एक ऐसे सलाहकार के तौर पर, एक ऐसे दाना आदमी के तौर पर पेश भी किया गया है, जिनके बारे में वो फिरौन खुद कहता है कि इस जैसी हिकमत किसी और के पास है क्या. सो उसके लिए हम देखें तो उसका रेफरेंस है चैप्टर 41:33-36, पैदाइश की किताब में ही 41वां बाब और उसकी 43 से, और मैं आपके लिए इसको स्क्रीन पे भी कर देता हूं ताकि हम हमारे लिए इजी हो जाए. ये चैप्टर 41 है, आप देख सकते हैं चैप्टर 41:33-36. 33 में लिखा है, इसलिए फिराउन को चाहिए कि एक दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को तलाश करे. ये जनाबे वो उसको कह रहे हैं और फिर वो बाद में उसका इकरार खुद भी करते हैं
कि क्या इस जैसा कोई दाना आदमी हो सकता है। और इसका रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस जब हम जीसस के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको कुलसियों में, कुलसियों के दो बाब में और उसकी तीसरी आयत में मिलेगा। कुलसियों दो बाब तीसरी आयत में लिखा है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये किसके बारे में लिखा हुआ है? मसीह के बारे में। मैं फिर से पहली तीन आयतें पढ़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और लुदिकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जाफिशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसली हो और वो मोहब्बत में, मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा की, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत और सब खजाने पोशीदा हैं। सो जनाबे यूसुफ में भी हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा थे और जनाबे मसीह में भी हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा थे। फिर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक और उर्दू बाइबल खोल लेता हूँ, ताकि एक पे मैं पैदाइश का रेफरेंस खोल के रखूँ और एक के ऊपर मैं जो है न्यू टेस्टमेंट के रेफरेंस खोल देता हूँ। सो अगर आप देखिए तो दूसरा हम देखते हैं कि वो तख्त पे बकायदा बिठाया गया, तख्त, तख्त के मतलब ही सॉर्ट ऑफ गेन्ड द थ्रोन। और 41वें बाब में ही, जनाब यूसुफ के 41वें बाब में हमें 40वीं आयत से ये निकल नजर आता है और लिखा है, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये फिराउन कह रहा है, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर चलेगी। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्ग रहूंगा। और फिराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क का हाकिम बना रहा हूं। ही इज द रूलर ऑफ द होल किंगडम। और अगर हम जनाबे मसीह का देखें तो बड़ा मजेदार रेफरेंस अभी आपको मैं देने वाला हूँ। मुकाशफा में आप अगर देखिएगा तो मुकाशफा के तीसरे बाब की 21वीं आयत में हमें जनाबे मसीह का भी तख्त नजर आता है। मुकाशफा की किताब तीसरा बाब और 21वीं आयत में अगर आप यहाँ देखें, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ये कौन कह रहे हैं? जनाबे मसीह कह रहे हैं, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठा हूं। सो जनाब यूसुफ भी एक तख्त पर बैठे थे, जनाब मसीह भी एक तख्त पर बैठे हैं। फिर हम देखते हैं कि जनाब यूसुफ जो है इसी चैप्टर में, चैप्टर 41 की 38वीं आयत में उनकी एक और क्वालिटी हमें नजर आती है। लिखा है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल, अपनी इंटेलिजेंस और अपनी वर्दीनेस, अपनी काबिलियत की वजह से वहां पर तैनात हुए थे। और फिराउन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया, इसीलिए तेरी मानद दानश्वर और अकलमंद कोई नहीं। ठीक है, ये जनाबे यूसुफ के बारे में कहा जा रहा है। और अगर आप जनाबे मसीह के बारे में देखना चाहते हैं तो वो फिलिपियों 2:6 है। और आप यहाँ पर हम चले जाते हैं फिलिपियों 2:6 आयत तक। अगर उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने के को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। क्या था ये? उसकी वर्दीनेस थी। वो खुदा के बराबर भी था, वर्दी था वो टू बी ऑन दैट प्लेस, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को खाली कर दिया। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, फिर भी बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत अख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक कि फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते से खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो अपना और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। नामों से, अच्छा यहाँ पे ये रेफरेंस एक और जगह भी यूज हो जाएगा। आपको पता है कि जनाबे यूसुफ के दो नाम थे, उनको एक नाम और भी दिया गया था, वो नाम था
जो 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 फिराउन ने दिया था उसके उस पे मैं अभी आता हूँ। वो बड़ा मुश्किल सा नाम है, वो इंग्लिश में भी बड़ा वजारी वाला नाम है और उर्दू में तो और ही मेरे लिए वबाले जान बन जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको अदा करने की आपके लिए कोशिश करूं। दुल्हन की बात की जाए, दुल्हन की बात की जाए तो 41वें बाब की 45वीं आयत में, 41वें बाब की 45वीं आयत में हमें बड़ा ही, ये चैप्टर 41 है, इसकी 45 वर्स में हम देखते हैं, और फिराउन ने यूसुफ का नाम सिफनात फनी जफिनत पेनिया लिखा हुआ है इंग्लिश में, जफिनत पेनिया सिफनात फनी फनी रखा, और उसने उनके पुजारी की पुजारी फोतिफरा की बेटी असनात को उससे ब्याह दिया। अब देखिए द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे टू यू हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं चाहता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। पहली बात कि वो जो दुल्हन है वो गैर कौम से है। डू यू गेट माई पॉइंट? दुल्हन जो है वो गैर कौम से है, वो ईमान वाली नहीं है। और जनाबे मसीह की दुल्हन कहां से आई है? सारे जेंटाइल्स को इकट्ठा करके उसने दुल्हन बना ली। डू यू गेट माई पॉइंट? डू यू गेट माई पॉइंट? कि उसकी बीवी जो है वो जो है वो उसके, और फिर वो उसकी बीवी उसको दी गई। मुकाशफा 9:7 में हमें नजर आता है कि दुल्हा को भी, जनाबे मसीह को भी उनकी दुल्हन मिलने वाली है। मुकाशफा 19:7 में, मैं आपके लिए खोले देता हूँ रेफरेंस, 19:7 में, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बीवी और जो 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 जो, जो स्पेसिफिक डिटेल मैंने बीवी की क्वालिफिकेशन की बताई है वो ये है कि वो गैर कौम से ताल्लुक रखती है। फिर अगर हम चैप्टर 41:46 को देखें, और यूसुफ 30 बरस का था। यूसुफ कितने बरस का था? 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिराउन के सामने गया। और अगर हम जनाबे मसीह को देखें, और जनाबे मसीह का लूका 3:23 में हमें रेफरेंस मिल जाएगा, वो भी कितने, लगभग लूका 3:23 में लिखा हुआ कि तकरीबन, लूका 3:23 में अगर आप देखिए तो वहां लिखा है, और जब यीशु खुद लिखा है कि जब यीशु खुद तालीम देने लगा, तकरीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता है यूसुफ का बेटा, और वो बेटा था और वो एली का। सो ये इस तरह जो है 30 बरस की दोनों की ये भी हमें नजर आती है। फिर जनाबे यूसुफ के दौर में जब हम जाके देखते हैं तो 41:55 में हमें नजर आता है कि वो रोटी दे रहा है जिससे लोग मरने, और वो जब मुल्क मिस्र में लोग भूखे मरने लगे तो रोटी के लिए फिराउन के आगे चलाए, फिराउन ने मिस्रियों को कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। सो जनाबे यूसुफ जो है वो रोटी मुहैया करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरे थे। सो इसी तरह हम देखते हैं कि जनाबे मसीह ने यूहन्ना की इंजील भरी पड़ी है इन रेफरेंसेस से। यूहन्ना 6 बाब से रेफरेंस शुरू होता है और 14वें बाब तक ऑलमोस्ट जाता है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं जिंदगी की रोटी, मैं हूँ जिंदगी का पानी, मैं हूँ दरवाजा, मैं हूँ अंगूर का हकीकी दरख्त, मैं हूँ। देर अबाउट 7 और 8 आई एम्स जो खुदा यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसके लिए हमें नजर आता है कि ये रेफरेंसेस बहुत ही क्लियरली हमें नजर आते हैं। फिर एक एक और जो क्वालिटी हम यहाँ पे देखते हैं के चैप्टर 42 में जब हम चले जाते हैं और उनके भाई आए हैं, तो भाई क्या पहचान लेते हैं अपने भाई को? नो दे डिडंट। लिखा है, और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचा। सो यूसुफ के भाई आए और अपनी सर जमीन पर टेक कर उसके अजाब जाए। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बनाया और उनसे सख लहजा में पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि मुल्के किनान से अनाज लेने का आए हैं। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे ना पहचाना। क्या है? उन्होंने उसे नहीं पहचाना। और इसका रेफरेंस आप अगर आप देखना चाहें जनाबे मसीह के हवाला से जहां पे दिया गया है वो बड़ा ही खूबसूरत रेफरेंस है, एंड दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट रेफरेंसेस। यूहन्ना 1 बाब उसकी तकरीबन 10-11-12 आयत में मुझे ये बड़ी खूबसूरत आयतें लगती हैं। वो लिखा है, वो दुनिया में था
और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। पहले तो दुनिया ने भी उसे नहीं पहचाना, फिर उसके भाई घर वालों ने भी नहीं पहचाना, वो दुनिया में था और दुनिया ने पहचाना, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, उसके अपनों ने भी उसे नहीं पहचाना, उसके भाइयों ने यानी कि जिनके पास वो आया था उन्होंने भी, यहूदा के घराने ने भी उसको ना पहचाना, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्होंने उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। बाय द वे मैं आपको ये बताता चलूं, ये आयत पे मैं पहले भी बड़ी दफा बोला हूं, ये कोई आम इवेंट नहीं है, ये बड़ा खास इवेंट है। आप वाकई चेंज हो जाते हैं, और अगर आपकी जिंदगी मसीह को कबूल करने के बाद चेंज नहीं हुई तो यू नीड टू लुक एट योरसेल्फ एंड कंसिडर कि क्यों मेरी जिंदगी चेंज नहीं हुई, क्यों मैं वैसे का वैसा ही हूं, क्यों मेरी जिंदगी में वो चेंजेस नजर नहीं आ रहे जो के होने चाहिए थे। ठीक है जी, फिर हम फिर एक देखते हैं कि बेगुनाही बेचारा सताया जाता है, यूसुफ भी बेगुनाह सताया गया था, है ना, आयत चैप्टर 39 में वर्स 20 में, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था और यूसुफ ने के आका ने उसको लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह कैदी थे, बंद कर डाला, सो वहां कैद खाना में रहा और उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। जब दरोगा, जब वो सरदार नानपज और सरदार साकी जब आते हैं उसके पास, तो वो उनको कहता है कि मैंने तो गुनाह ही नहीं किया कि मुझे इसमें डाला जाए, लेकिन इन्होंने मुझे डाल दिया यहां पर। और खुदा यीशु मसीह ने भी कोई गुनाह किया था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था और उसके बावजूद उसको उन्होंने तंग किया और उसको मारा। और फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक और बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि वो गैर कौमों के हाथों मारा जा रहा है, और जनाबे मसीह को भी अगर देखा जाए तो उसको गैर कौम के हवाले कर दिया गया, किसके हवाले, रोमियों को दिया गया कि इसको सूली चढ़ाओ। क्योंकि आपको अगर थोड़ी सी हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करें तो मिस्र जो जब उस वक्त जो हुकूमत थी वो हुकूमत दरअसल रोमियों की थी, बादशाह बेशक यहूदियों का अपना था हेरोदीस, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था, बल्कि बादशाह भी उस वक्त खत्म हो चुकी थी, बादशाह 9 AD में खत्म हो चुकी थी, और उस वक्त एक और सिस्टम, न्यू सिस्टम रोमन एम्पायर ने उनके लिए इंट्रोड्यूस किया था, और वो हम कल उसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि उसने अगर 21वीं आयत तक, लेकिन यूसुफ खुदा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था और उस पर उसका रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल किया। कैद खाना के दरोगा की नजर में वो क्या हुआ था? मकबूल हुआ था। ठीक है जी, जो लोग उसे मार रहे हैं उन्हीं की नजर में वो क्या हो रहा है? वो मकबूल हो रहा है। और यही आयत, इसी तरह का एक रेफरेंस आपको याद होगा कि लूका की इंजील में जब खुदा यीशु मसीह जान देते हैं तो वो क्या कहता है कि बेशक ये चैप्टर 23 वर्स नंबर 47 में है, वो कहता है कि यकीनन ये खुदा का बेटा था। ये माजरा देकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा बेशक ये आदमी रास्तबाज था, दोनों बोथ ऑफ देम हैव वन द फेवर ऑफ ऑफ गॉड। सो इसके बारे में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये किया करते हैं कि वो बच्चों को ये असाइनमेंट दे देते हैं कि आप जितनी सिमिलरिटीज आप ढूंढ सकते हैं निकालिए, और इस पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने काम भी कर रखा है। मैं जैसे मैंने बताया आर्थर डब्ल्यू पिंक ने, जनाब मिस्टर साहब ने, फिर और भी बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने इस पे बड़ी डिटेल काम कर रखा है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो है हमारे सामने नजर आती हैं। फिर हम देखते हैं कि जनाबे यूसुफ ने 40वें बाब की 20वीं आयत में एक प्रेडिक्शन कर दी थी, है ना, कहा था कि जी वो आने वाला है, क्या है, काल पड़ने वाला है। 40वें बाब की 20वीं आयत में उसने कहा कि पैदाइश 40:20 में अगर आप देखें, और तीसरे दिन जो फिरौन की सालगिरह का दिन था तो उसने उनकी सरदार साकी और सरदार नानपस के बारे में प्रेडिक्शन की थी, वो भी पूरी हो गई। इसी तरह बहुत सारी प्रेडिक्शन जनाब मसीह ने भी कर रखी हैं। जनाब यूसुफ को जो है वो हमने देखा कि उनका नाम भी जो है उन्होंने
वैसा ही रखा था कि जिसका मतलब हमने क्या सीखा था, सफनात सफनात फनी, जिसका मतलब है कि राजों को खोलने वाला, और जनाब मसीह के बारे में भी लिखा है कि वो हम पे राज आया करता है। फिर जनाब यूसुफ के खिलाफ भी साजिश की गई, जनाब मसीह के खिलाफ भी साजिश की गई, जनाब यूसुफ के लफ्जों का भी एतबार नहीं किया गया और उनको डाल दिया गया, जनाब मसीह के लफ्जों का भी एतबार नहीं किया गया, जनाब यूसुफ को भी मारा भी गया, कूटा गया, उनका ओहदा उनसे छीन लिया गया जब वो फोतिफर के घर पे उनके चीफ थे, घर का सारा इंतजाम रन करते थे, सारा कुछ उनसे छीन लिया गया, इस यीशु से भी छीन लिया गया, इंसल्ट की गई दोनों की, उनको बहुत बुरी तरह उनका मजाक उड़ाया गया, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया। बाय द वे मैंने आपके साथ एक बड़ा जबरदस्त रेफरेंस चैप्टर 37 वर्स 24 में से शेयर किया था, और ये वो वाकया है जहां पे उनके भाई उनको कुएं में डाल देते हैं, और वो 24 आयत में उसे उठाकर गड़े में डाल दिया और वो गड़ा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। हमें ऐसे लगता है, मैं इसलिए आपसे बातें करता हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह एक तालिब इल्म हूं, मैं इन गलतियों को करके सीख के यहां तक पहुंचा हूं। सो मैं चाहता हूं कि जब मैं आपके साथ ये शेयर करूं बातें तो आप इन चीजों को समझ पाए। ये देखिएगा चैप्टर 37 वर्स 24 पे हम लगभग गौर करें, और उसे गड़े में डाल दिया, ठीक है, और वो गड़ा सूखा था। जब इस पे हमने गौर किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब वो आए थे उसके भाई मिस्र में, तो जनाब यूसुफ ने क्या किया था, उनको क्या किया, उनको कैद में डाल दिया था, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। और मैंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि उन्होंने 3 दिन इसलिए उनको कैद में रखा था कि इन्होंने भी 3 दिन उनको गड़े में रखा होगा, और हमें ऐसा लगता है कि वो आया था, उन्होंने आके उसको थोड़ी सी मारा कूटा और फिर गड़े में डाल दिया, अभी दोपहर का खाना खा रहे थे तो उधर से इस्माइली आ गए, उन्होंने निकाल के उसको बेच दिया। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, इट डिडंट हैपन लाइक दैट। और हमें पता है कि रूबन जो है वो मौका ढूंढ रहा था कि कैसे, तो वो ऐसा थोड़ी था कि एकदम ही ये सब कुछ हो गया। हालांकि बाइबल में किसी वक्त की कमी की वजह से और बातों को समेटने की वजह से इस तरह बयान किया जाता है, लेकिन हम एक और बड़ी मजे की बात है कि जनाब यूसुफ को 3 दिन गड़े में रखने से जो खूबसूरत बात हम सीख सकते हैं, जनाब मसीह को भी कब्र के मुंह में रखा गया था, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। That's why I'm very compelled. मुझे लगता है कि ये बात बहुत ज्यादा सिमिलर हो सकती है। और फिर आप देखिए, ओ हो, फिर वो क्या करते हैं, इसी की 31वीं आयत में अगर आप देखिए, फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर एक बरकरा जबा करके उसे किया और कहा, किसको दिया था वो, 32वीं आयत में देखिए, अब तू पहचान के तेरे बेटे की कबा है या नहीं, खून लगाकर बाप को पेश किया। और जनाब मसीह का खून क्या है, वो भी बाप को पेश किया गया, लिखा है कि वो अपना ही खून लेकर बाप के हजूर पहुंच गया आलम बाला पर, और वहां पर जाकर खुदा के हजूर उसने उस खून को लगाया है। यीशु भी चांदी के सिक्कों के विज बेचा गया था, हालांकि देयर इज अ डिफरेंस, यीशु 30 सिक्कों के बेचा गया था, जनाब यूसुफ 20 सिक्कों के विज बेचे गए थे, लेकिन चांदी के सिक्के दोनों को बेचा गया। ये एक पॉइंट इनमें बड़ा जबरदस्त सिमिलर है। और फिर उसके बावजूद हम देखते हैं कि दोनों को बहुत बुरी तरह आजमाया गया, लेकिन गुनाह नहीं किया गया। जनाब यूसुफ के बारे में मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि जनाब यूसुफ गुनाह से मुबर्रा थे, लेकिन चंद लोगों के बारे में कलाम जो है वो बहुत सारी डिटेल्स लिखने से जो है वो गुरेज करता है। शायद उसके पीछे एक मॉडल जो है उसको बरकरार रखना या एक पैटर्न को बरकरार रखना जरूरी होता है। सो फिर हम देखते हैं कि दोनों को जेल में डाल दिया गया, खुदा यीशु मसीह को भी पकड़ लिया गया। कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो जनाब यूसुफ, ये 37वां बाब भी खुला हुआ है ना, 37वां बाब में हमें नजर आता है कि वो क्या था, बाप क्या, बेटा क्या था, वो भेड़ बकरियां चराया करता था अपने भाइयों के साथ, है ना। ये दूसरी आदमी देखिए, याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ, अब मैंने आपकी जब हमने ये चैप्टर कवर किया था तो मैंने बताया था कि हालांकि 11वें नंबर का बेटा है और याकूब की नस्ल का हाल की बात हो रही है तो यूसुफ का जिक्र आ रहा है। यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था, और यीशु के बारे में क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आई एम द गुड शेपर्ड, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान
भी दे देता है। फिर उन दोनों की लिबास देख लीजिए, उसके लिखा हुआ है उर्दू में बड़ा खूबसूरत लफ्ज इसके लिए लिखा हुआ है कि उसने अपने बेटे को एक बड़ी खूबसूरत बुकलमून कबा बनवा दी, उसको बड़ा खूबसूरत लिबास दिया। और जनाब मसीह के लिए भी हम देखते हैं कि उसके लिबास पर क्या हुआ था, कुर्रा डाला गया था। क्यों कुर्रा डाला गया था, हिस्सा क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि वो बड़ा कीमती लिबास था, गुड गारमेंट, और उन्होंने कहा कि इसको फाड़ा ना जाए। और इसको दोनों ही के भाई उनसे नफरत करते थे, जनाब मसीह के भाई भी उनसे नफरत करते थे, जनाब यूसुफ के भाई भी उनसे नफरत करते थे, और जनाब यकूब के बारे में भी 37वें बाब में जब यहाँ पे वो ख्वाब देख रहे हैं तो उनके बारे में बता दिया गया था कि वो आगे जाके हुकूमत करेंगे। और जनाब मसीह के बारे में भी हमें मालूम है कि वो उन्होंने आगे हुकूमत करनी है हजारी में, 1000 साल के लिए वो बादशाह बनकर यहाँ पर हुकूमत करेंगे। और बाय द वे, जब फर्स्ट टाइम मैंने इस चीज को रियलाइज किया तो मुझे थोड़ी मायूसी सी हुई थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अक्सर लोग समझते हैं कि जब यीशु आएगा ना तो फिर असी बड़िया जफियां पावांगे तो कुट कुट के जफियां पा के मिलेंगे। बाय द वे, व्हेन ही कम्स बैक ही इज कमिंग एज अ किंग। अगर आप बिल क्लिंटन को या अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को या नवाज शरीफ को जफियां नहीं डाल सकते, इमरान खान को जाके जफियां नहीं ना डाल सकते, तो आप यीशु को भी जफियां नहीं डाल सकेंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ऑन दिस अर्थ। That will happen जब सब कुछ यहाँ से wind up करके ऊपर चले जाएंगे, that most probably will be the time when you will be able to hug him और उसके साथ जितनी बातें आप करना चाहें, because we'll be free from time and space। लेकिन हजारी के वक्त में आप वक्त और from the time, material and space you will not be free। So मैं समझता हूँ कि वो इस तरह मुमकिन नहीं होगा। सो दोनों ही को बाप भेजता है, उसने बाप को भेज अब यहाँ पे एक बड़ा मजेदार पॉइंट में देख रहा था कि लिखा है कि उस और उसके भाइयों ने देखा कि उसका बाप सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, उसको सबसे ज्यादा प्यार करता था बाप। ये बड़ा क्लियर हमें पता चलता है। और खुदा यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा था, खुदा बाप क्या कहते हैं, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और वो बारहा उन्होंने जनाबे मसीह ने इसका रेफरेंस हमें नजर आता है कि उन्होंने कहा कि मेरा बाप जो है मुझसे खुश है और मेरा बाप आई बाप तू, मेरा ख्याल यूहन्ना 17 में कहीं पे ये रेफरेंस है, वो कहता है कि तू मुझे उसी जगह वापस ले जा जहाँ जहाँ से तूने मुझे भेजा है, ऑफ द प्लेस ऑफ इटर्नल ग्लोरी, क्योंकि खुदावंद यीशु खुदा बाप के साथ ही हमेशा से रहते थे। बाय द वे, बहुत सारी सिमिलरिटीज ऐसी हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। टाइम हैज इट्स बीन एग्जैक्टली द टाइम वी यूजुअली फिनिश आवर 1 hour and a quarter। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कलाम से भी आपने बहुत बरकत हासिल की। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मेरे साथ हमारे भाई अभी मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में हमें इमरान भाई आप अपना माइक खोल सकते हैं। इमरान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, 1:30 बज रहा है पाकिस्तान का और आप हमारे साथ बने हुए हैं। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि आप आज दुआ में हमें लीड करें और दुआ में आप सबके लिए बरकत चाहें और हमें दुआ के साथ सबको रुखसत करें। सो लेट मी पुट यू ऑन स्क्रीन। जी आप सबको सलाम है सर। जी इमरान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, अपना माइक जरा देखिए। जी सर, सर अब आइए आवाज। जी सर, अब आवाज आई रहा है तो अगर आप बता दीजिएगा कि अगर आपको भाई इमरान की आवाज आ रही है। कैन एनीबॉडी हियर इमरान भाई? हेलो हेलो सर, अब आवाज आई है? जी सैमसन रत्ता साहब ने एक और बड़ा खूबसूरत पॉइंट दिया था कि दोनों प्यासे थे, दोनों को ही बेचा गया था। बिल्कुल जी बिल्कुल एग्जैक्टली। इमरान भाई आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही यहां तक मेरे पास, आप जरा देखिएगा माइक को उतार के देखिएगा, हेडफोन उतार के शायद फोन पे डायरेक्ट बात करने की कोशिश करें। अपने माइक की आवाज बढ़ाइएगा जरा, आपकी आवाज नहीं सही से आ रही।
जी सर, अब आवाज आ रही है? नहीं, और नहीं मेरा पहुंच पा रही जी। इमरान भाई अब जी बोलिएगा, अब मेरा ख्याल आवाज आ रही। सर, अब जी अब आवाज आ रही है सर? नहीं, आवाज बढ़ाइएगा जरा, आपकी आवाज नहीं सही से आ रही जी। आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोल सकते हैं। जी सर, गुड गुड जी, अब आपकी आवाज आ रही है। प्लीज जो प्लीज दुआ में लिख आवाज लीजिएगा जी। इमरान भाई क्या बोलिएगा? कदूस कदूस मेहरबान जिंदा खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो खुदावन तूने हमारी जिंदगी में दिया। ए प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू खुदावन भला है, और खुदावन तेरा रहम, तू खुदावन तेरा प्यार, तेरा फजल हमारे लिए नस्ल दर नस्ल रहता है। ए प्यारे खुदावन, तू जो पाक है, तू जो बुजुर्ग है, प्यारे खुदावन तू जो हमारा खुदा है, तू जो तमाम कौमों का खुदा है, तू जो तमाम कबीलों का उम्मतों का खुदा है। ए प्यारे खुदावन, तू हमारा खुदावंद है, रबुल फाज है। प्यारे खुदावंद, तू आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, हमारा रब है, हमारा मालिक है। ए प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो खुदावंद तूने हमें सांसें अता की हैं प्यारे खुदावंद, और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि जो खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में दिया कि खुदावंद हम तुझे याद कर सकें, और खुदावंद तेरे उन मुकद्दस लोगों को याद करें, और खुदावंद उनके साथ जो खुदावंद तूने पाकलाम हमारे साथ खुदावंद बांटा है, उस पाकलाम को पढ़कर सुनकर अपनी जिंदगी को खुदावंद तेरे पाकलाम के मुताबिक चला सकें। ऐ प्यारे खुदावंद, तू जो खुदावंद खुदावंदों का खुदा है, प्यारे खुदावंद तू हमारा रब है, तू हमारा खालिक हकीकत है। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने खुदावंद हमें हमारे बहुत खूबसूरत उस्तादा दिए हैं कि जो खुदावंद तेरे पाकलाम को हम तक शेयर करते हैं, हमें बताते हैं, और खुदावंद हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी का जितना भी खुदावंद सोर्स है वो तेरे पाकलाम के मुताबिक है। हमारी जिंदगी का खुदावंद, हमारी जिंदगी के काम नाकस हैं, तेरा पाकलाम कामिल है, और खुदावंद तेरा पाक नाम कामिल है। ऐ प्यारे खुदावंद, हम शुक्र अदा करते हैं तेरा कि खुदावंद तूने हमें इतने अच्छे और खुदावंद कामिल और खुदावंद ऐसे उस्ताद दिए हैं कि जिनके जरिए से खुदावंद हम तेरे पाकलाम को तफसीरों को सीखते हैं, और खुदावंद जो तेरे पाकलाम के भेद हैं खुदावंद उनको सीख रहे हैं। प्यारे खुदावंद, आज हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे खुदावंद अल्फाज सीखे हैं जो खुदावंद जिंदगी में नए हैं, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तूने हमें सर तसवर और भाई सैमसन, सर सैमसन और सर जुनेद जैकब और खुदावंद ऐसे उस्ताद सा दिए हैं जो तेरे पाकलाम को खुदावंद हम तक बड़े ऐसे अल्फाजों के साथ पेश करते हैं कि जो खुदावंद हमारी जिंदगी में बेहतर से बेहतर खुदावंद नजर आ रहे हैं। प्यारे खुदावंद, उन तमाम तर भाइयों को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, वो लोग जो इस वक्त खुदावंद सर सैमसन के साथ ज्वाइन है खुदावंद, उन तमाम तर भाइयों को छूना, बहनों को छूना, और खुदावंद उन्हें हमेशा अपने पाकलाम के मुताबिक अजर देना, और खुदावंद इनकी जिंदगी में खुदावंद तेरे पाकलाम के मुताबिक खुशियां हों, और खुदावंद तेरे पाकलाम के मुताबिक हर एक खुदावंद भाई बहन अपनी जिंदगी जिए, और ऐसी जिंदगी जिए कि जो खुदावंद तेरे पाकलाम के मुताबिक है। प्यारे खुदावंद, हम अपनी जिंदगी गुजारने नहीं आए यहाँ पर, हम अपनी जिंदगी जीने आए हैं क्योंकि खुदावंद तूने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त इस घड़ी के लिए खुदावंद, उन तमाम तर लोगों को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं जो इस वक्त आए खुदावंद परेशानी के गम के आलम में है। प्यारे खुदावंद, तमाम तर कौमों कबीलों को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद इस कोरोना वायरस के जो खुदावंद वक्त चल रहा है खुदावंद, इस वक्त हर एक भाई बहन, हर एक कौम कबीला परेशान है। प्यारे खुदावंद, तूने इस वबा को भेजा है खुदावंद, इसमें अपने लोगों की हिफाजत और निगाहबानी करना। प्यारे खुदावंद, वो लोग जो तुझसे दूर हैं प्यारे खुदावंद, उनको भी अपने पाकलाम के मुताबिक चलने की हदायत बख्श। प्यारे खुदावंद, तेरे खादमों को तेरे हाथ में देते हैं खुदावंद, तेरे खादमों को मसा कर, इनके अल्फाजों को, इनकी जुबान को खुदावंद, इनके कामों को तेरे हाथ में देते हैं प्यारे खुदावंद, तू इनको अपने पाकलाम के मुताबिक चला ताकि खुदावंद ये तेरे
ये जो तेरे खादम है प्यारे खुदावंद, ये अच्छे तरीके से सीख कर तेरे उन लोगों तक खुदावंद पहुंचे जो खुदावंद तेरे आप पर ईमान नहीं रखते, ताकि खुदावंद उन लोगों को भी बदलने में खुदावंद तेरे खादम मददगार साबित हो, ताकि खुदावंद जब तेरे हजूर में जाए तो खुदावंद शर्मिंदा नहीं हो, बल्कि खुदावंद आपसे इज्जत और खुदावंद आपसे शाबाश हासिल कर सके, ताकि खुदावंद तू जो पाक खुदा है तू कह सके कि ऐ तू कह सके कि ऐश अच्छे और दयानदार बखादम और वो हिस्सा मिरास मिले जो तेरे लिए है। प्यारे खुदावंद तूने हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दी हैं, बहन भाई रिश्तेदार अजीजों का खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उन तमाम तर रिश्तों को खुदावंद अक्ल और दनाई और सेहत अता कर। खुदावंद इस आलम में जो खुदावंद इस वक्त कोरोना वायरस है, जितने भी तेरे खुदावंद लोग हैं उन तमाम को तेरे हाथ में दे देते हैं, खास तौर पर खुदावंद तेरे खादमों को तेरे हाथ में देते हैं, ताकि खुदावंद वो तेरे लोगों को पाक कलाम पढ़कर सुनाए, ताकि खुदावंद वो लोग जो खुदावंद तेरे पाक कलाम से दूर हैं वो स्पेशली खुदावंद तेरे हजूर में आए, ताकि खुदावंद तुझसे तेरे करीब आए, ताकि खुदावंद अपनी जिंदगी को बचाएं और खुदावंद ना सिर्फ जिंदगी को बचाएं बल्कि ऐ खुदावंद तेरे पाक कलाम के मुताबिक तेरी इज्जत करें और खुदावंद तुझे सजदा करें, क्योंकि खुदावंद तू सजदे के लायक है। प्यारे खुदावंद तू हमारी सारी खुदावंद जितनी भी इस वक्त हमने खुदावंद तेरे हजूर में दुआ की है, जितना तेरा पाक कलाम पढ़ा है खुदावंद, इसके वसीला से हर एक भाई बहन को बरकत देना और बरकत पर बरकत देना, ताकि खुदावंद हर एक तेरे हजूर में खुदावंद गवाह ठहरे कि हमने तेरे खादमों से कलाम सुनकर ना सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल भी किया और उसे अपने जहनों में अपने दिलों पर नक्श किया, ताकि उस रोजे मशर में के दिन हम तेरे पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद तुझसे अजर हासिल कर सके। प्यारे खुदावंद इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, जो खुदावंद मांगना भूल गए हैं उसके लिए माफ करना, खुदावंद तेरे पाक और पवित्र नाम के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच प्यारे भाई, हम आपकी जिंदगी के लिए, आपके इस हिस्सा के लिए जो आपने खुदावंद के लिए किया है, दुआ का ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपने हम सब के साथ शेयर किया है, वी थैंक यू फॉर योर टाइम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और भी जितने बहन भाई मुझे देख रहे हैं, अगर आप भी दुआ में हिस्सा लेना चाहें और सबके लिए दुआ करना चाहें तो प्लीज जरूर मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू हैव यू ऑन, एंड ताकि सबके साथ आप अपनी दुआ का तोहफा जो है वो खुदा के हुजूर चढ़ा सकें। थैंक यू सो मच इमरान भाई, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। खुदा ने चाहा आपसे जल्दी मुलाकात होगी, आई शैल सी यू डे आफ्टर टुमारो ऑन फ्राइडे, एंड इफ वी आर अनएबल टू फिनिश इट ऑन फ्राइडे वी विल हैव अनदर एक्स्ट्रा सेशन। बाय द वे एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के पास जेनेसिस से रिलेटेड कुछ सवाल हो उनको जरूर भेजिएगा। एक दो भाई ने पूछा है क्या जी सवाल करने का हक है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लेकिन प्लीज मैं इस तरह का कोई दावा नहीं कर रहा कि मैं आपके सवालों का सबका जवाब दे पाऊंगा, मुझे जो आएगा मैं आपको जो दूंगा, जो नहीं आएगा मैं सीख के जरूर कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। और खुदा रहा ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसके बारे में बाइबल खामोश है, अगर बाइबल नहीं बता रही तो उसके पीछे कोई रीजन है, मैं वो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन आई वुड इनकरेज कि आप अपने सवाल जरूर भेजिएगा, बिकॉज सवाल इस चीज की गारंटी है कि आप सोच रहे हैं और अपने जिस्म के सबसे ऊपर वाले हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। आई सी यू ऑन फ्राइडे, गॉड ब्लेस यू।